IPL में काफी क्रिकेट खेली हुई है, देखा है किस तरह की गेंदबाजी कर सकते हैं। विजय शंकर के लिए पहला एक्सपीरियंस था मुस्तफिजुर का सामना करना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, प्रेशर कुछ ज्यादा बन गया। खैर शंकर है अभी भी, मौका है उनके पास। ये जो और ये दिनेश कार्तिक पहली गेंद पर 6 रन, क्या कह रहा था मैं? बिल्कुल देखिए बहुत इनके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, इस सिचुएशन में बहुत सालों खेले हैं दिनेश कार्तिक। और खास बात क्रीज के कितना बाहर खड़े थे, जानते थे यॉर्कर ढूंढ रहा है गेंदबाज, या तो डीप जाइए क्रीज में या फिर लो फुल टॉस बना लीजिए। बल्ले को सीधा रखा, आड़ा हिट करने की कोशिश नहीं की, मैक्सिमम मिला पहली गेंद पे 6। रुबेल हुसैन जो अब तक बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी, पहली गेंद पर छक्का पड़ा है, तो ये ओवर बड़ा ओवर चाहिए इंडिया को, क्योंकि अभी भी 28 रन और चाहिए। अगर 10-12 रन इसी ओवर में और नहीं मिलते हैं तो आखिरी ओवर बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन होगा। एक और बड़ा शॉट इस बार 4 और दिनेश कार्तिक, यू ब्यूटी, 2 बॉल में 10 रन और भारत इस रन चेस में बना हुआ। सर पे कफन बांध के आए दिनेश कार्तिक, ये देखें आप पहली गेंद पर छक्का और बाद में और थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही है, कोशिश फील्डर की थी वहां पर लेकिन सही दिशा में बीट किया फील्ड को। खास बात दिनेश कार्तिक की आयाज, फैंस तो खुश हो रहे हैं भारतीय जो मौजूद है प्रेमदासा में, जहां स्टांस ले रहे हैं, जानते हैं रुबेल उसे पुरानी गेंद से रिवर्स करा सकते हैं, 19वां ओवर है, रिवर्स स्विंग करा के यॉर्कर ढूंढ लेंगे, इसलिए क्रीज के बाहर खड़े हो रहे हैं और अब सरदर्द दे दिया है शाकिब अल हसन को। बिल्कुल दबाव तो कैप्टन होगा, ये गजब का स्ट्रोक है भाई, गजब का स्ट्रोक, किस तरह से उठाया है ऑफ स्टंप से और मिड विकेट फेंस के बाहर। 16 रन 3 बॉल में दिनेश कार्तिक के नाम, और क्या बात, फैंस खुश, भारत का सही अब 18। इस बार क्रीज के काफी डीप खड़े, जो बैटिंग क्रीज का इस्तेमाल है वो क्या बखूबी कर रहे हैं दिनेश कार्तिक, लेंथ ऑल्टर कर रहे हैं गेंदबाज किस तरह से और किस तरह से रीड कर रहे हैं कि गेंदबाज कहां पर फेंकेगा गेंद, ये तजुर्बे का कमाल है। और ये जो है एग्जीक्यूशन, स्ट्रोक एग्जीक्यूशन गेम बनाते हुए दिनेश कार्तिक का अनुभव आ रहा है काम भारत के। अब टिकड़ी बनती है शाकिब रुबेल और महमूदुल्ला की, और इस ओवर में क्या क्या घटा है, पहली बॉल पे 6 और बॉलर बैकफुट पे, पहली गेंद फुल टॉस फिर लेंथ डिलीवरी, ये छोटी छोटी सी और लेकिन इसको पिकअप एंड पुल और डगआउट भी लेकिन जोश में आ गई इंडियन डगआउट। अब 12 रन प्रति ओवर या सिंपल टर्म्स में 18 रन 9 बॉल में, रुबेल की पहली 3 गेंदों पे 16, क्या कमबैक होगी बॉलर की, चेंज ऑफ पेस, क्या ये बाहरी किनारा था, मुश्फिकुर की कोशिश अंपायर को यकीन दिलाया कि इसमें एज था लेकिन रुबेल हुसैन ने तो अपील ही नहीं किया, गेंद बाहर की तरफ निकली, पहली गेंदें जो हमने देखी थी 3 ये थोड़ी सी बाहर निकली पिच होने के बाद, अच्छी गेंद, अभी भी 2 गेंद और बाकी है, 34 से 18 तक लेके आए टारगेट और ये बहुत बड़ी बात है दिनेश का, अभी भी बड़ा ओवर बना सकते हैं और चेंज ऑफ पेस, 2 के लिए पुश करेंगे, जी हां अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, विजय शंकर दौड़ रहे थे नॉन स्ट्राइकर्स एंड जो डेंजर एंड था जो सबसे करीब था थ्रो के एंड से, अच्छी रनिंग, बहुत अच्छी रनिंग, बहुत अच्छा कॉल शंकर का क्योंकि वो डेंजर एंड पे वो भाग रहे थे, ये देखिए बहुत तेज पहला रन भागा और कॉल दिया और बांग्लादेश के प्लेयर्स अब आपस में एक दूसरे को इस तरह से और टेंशन अपने आप पे डाल रहे हैं। 18 रन 5 गेंदों में दिनेश कार्तिक के नाम और इस ओवर के अंदर, याद रखिए मुस्तफिजुर का स्पेल खत्म हो चुका है, 4 ओवर पूरे कर चुके हैं, आखिरी ओवर सौम्य सरकार डालें, शॉट शॉट 6 रन तो नहीं 4 मिलेंगे दिनेश कार्तिक को, इस ओवर से आए 22 रन, क्या बखूब खेला है ओवर,
155/5 भारत। रोहित शर्मा एज ऑफ द सीट पे बैठे होंगे इस समय, क्योंकि आखिरी ओवर में चाहिए भारत को 12 रन। स्ट्राइक पर होंगे विजय शंकर, 12 रन उनके नाम 15 गेंदों में, पर पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे चहल कदमी दिनेश कार्तिक की, फाइन लेग ऊपर था, स्पॉट पिक किया, चप्पा दे दिया बिल्कुल गेंदबाज को। वहां पर बॉक्स ट्रॉट कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि कुछ डांसिंग डांस स्टेप्स थे दिनेश कार्तिक और कुबेर हुसैन, बिल्कुल जहां पर जाते थे दिनेश कार्तिक वहीं पर गेंद डाले। फॉक्स ट्रॉट आया नहीं आया ये तो नहीं पता, लेकिन फॉक्स गेंदबाज को जरूर किया। जी हाँ बिल्कुल सही। अब विजय शंकर की अप्रोच क्या होगी, क्या ग्लोरी शॉट ढूंढते हैं, सिंगल लेके कार्तिक को स्ट्राइक पिलाते हैं। पिछले ओवर में जो हुआ वो देखते हुए एक रन लेके दे देना चाहिए स्ट्राइक दिनेश कार्तिक को, अनलेस इतनी लूज डिलीवरी मिले कि आप बना सकते हैं बाउंड्री। सौम्य सरकार डालेंगे आखिरी ओवर, वाइड डाउन लेग साइड, रन आउट हो सकते थे यहां पे, वाइड तो है ही पर ये रन आउट का मौका था बांग्लादेश के पास। और किस तरह से चूके मुश्किल, अपने आप यकीन नहीं कर सकते कि मैंने इतना आसान रन आउट मिस कर दिया, क्योंकि विजय शंकर काफी बाहर निकल आए थे। ये देखिए पिकअप एंड थ्रो और एम लेते हुए कम से कम 6-7 गज बाहर थे, और भले ही वाइड गेम हो रन आउट तो होता है। बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में ग्लव निकालते थे, अब जानते हैं बैट्समैन स्ट्राइक रोटेट करेंगे। इस बार स्टार्ट किया हुआ था कीपर ने पहले ही, कलेक्ट करने से पहले ही, अच्छी कमबैक बॉल सौम्य सरकार की। इसलिए मुझे लगा पहले, और जब जैसा मैंने कहा रमन के एक रन अगर लें, दिनेश कार्तिक उस मूड में उस अंदाज में खेल रहे हैं कि वो दो गेंद में भी 12 रन बना सकते, तो आप उन्हें 5-5 गेंद क्यों नहीं दे रहे। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ग्लोरी शॉट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे विजय शंकर, सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत, ये मैच बिल्कुल एज पे। सिंगल के लिए जाएंगे और सिंगल मिलेगा, कार्तिक दूसरा चाहते हैं, विजय शंकर तो खुश होंगे कि अब फायरिंग लाइन से बाहर, और सही भी है, एक रन लेके स्ट्राइक दे दिया दिनेश कार्तिक को, सीजन प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, अच्छे निक में जबरदस्त स्ट्रोक्स खेले अब तक, 6 गेंदों में 22 रन, लेकिन क्या इक्वेशन हो गया, 10 रन चाहिए 4 गेंदों, दो बड़े हिट और मैच भारत की झोली में, प्रेशर दिनेश कार्तिक पे, 6 बॉल में 22 रन उनके नाम। सौम्य सरकार की भी सोच लीजिए, आखिरी ओवर डाल रहे हैं, फ्रंटलाइन बॉलर नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी शाकिबुल हसन ने उनपे डाली है सौम्य सरकार पे। लेकिन प्रेशर सिचुएशन दोनों ही टीम के लिए बराबर का, तो 2 के लिए पुश करेंगे दिनेश कार्तिक, मिलेगा केवल एक, अच्छी गेंदबाजी सौम्य सरकार की, और सौम्य सरकार की एक अगर खासियत है, और इसी वजह से शायद शाकिब ने उन्हें गेंदबाजी दी, कि उनके गेंद बॉलिंग में पेस नहीं है, तो आप बैट्समैन जो है पेस नहीं यूज कर सकते, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, इंप्रोवाइज करना पड़ेगा, एक्यूरेट भी है, लेंथ पे डालते हैं। ये देखिए आप, टेंशन इतना है सौम्य सरकार पे, और वो भी मेरे ख्याल से 25-26 साल के ही है। दिलचस्प बात ये है कि आज शाकिब अल हसन ने मामदुल्ला से गेंदबाजी ही नहीं कराई, ऑफ स्पिनर को लेकर ही नहीं आए, एक ही ओवर डालाया केवल मेहदी हसन से, जो दूसरे ऑफ स्पिनर है टीम के अंदर। कैप्टनसी अच्छी रही है शाकिब की, जी हाँ अच्छी रही है, ये सवाल आप उठा सकते हैं, अगर ये ओवर में कंट्रोल नहीं किया सौम्य सरकार ने रन्स के, आखिरी ओवर सौम्य सरकार को क्यों मिला, मुस्तफिजुल या किसी और को क्यों नहीं, लेकिन ओवरऑल कैप्टनसी बहुत अच्छी रही। वेल बोल्ड, पर 4 फिर भी मिलेंगे, स्लॉट में नहीं डाली थी बॉल, पर उसको काव करके 4 लेने में कामयाब विजय शंकर,
गेंद बुरी नहीं थी, यहाँ पर आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी बल्लेबाज को, शंकर जो स्ट्रगल कर रहे थे अब तक। गेंद तक बल्ला नहीं पहुंच रहा था या मिस कर रहे थे, इसको सही स्टीयर किया दोनों ही फील्डर्स के बीच में से। बाइसेक अहम चौका, ये थर्ड मैन ऊपर, बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर था, ये चेहरे कहानी बयां कर रहे हैं बांग्लादेश के खेमे के। पांच चाहिए दो बॉल में, स्लो बॉल डाउन द ग्राउंड, क्या इसमें दूरी है, कैच पकड़ लिया आखिरकार, अब रिले थ्रो देखते हैं, ये रिले कैच। शाकिबुल हसन जो है जमीन पर बैठ गए, शायद उनको खुद को यकीन नहीं था कि मैच इतना बड़ा सस्पेंस बन जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो जो भी हम लाते हैं वो आप तक पहुंच पाए।